सब ठीक है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ के साथ। और ये जो कट ऑफ जारी कर रहे हैं, आपको सामने जो लेकर आ रहे हैं, वो एक कई छात्रों के एनालिसिस पर, उनसे बातचीत करने के बाद, आपके पेपर के लेवल को देखकर बनाई गई है। पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर भी कह सकते हैं, इसमें जो आपको ठीक लगे तो उसे आप मानना, अगर ना सही लगे तो कोई ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे कमेंट्स करें। ये सारी चीज़ें इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाकी आपको अगर सही लगता है तो आप मानिए, क्योंकि जो अनुमानित कट ऑफ होती है वो सिर्फ आपके मन के भाव को शांत करने के लिए होती है, या यूँ कह लीजिए एक आइडिया होता है कि यहाँ तक जा सकता है। ये कोई क्लियर नहीं होती है, इस कट ऑफ से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आपका होगा जो ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ आएगी वहाँ से। तो हम चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2022 की। ये एग्ज़ाम आपका अभी हाल ही में संपन्न कराया गया है, जिसकी आंसर की भी जारी की जा चुकी है। सभी लोगों ने आंसर मिला लिए होंगे, ठीक है? तो हम लोग पोस्ट की बात करें, विद्यार्थियों जो इसमें टोटल पोस्ट थी वो थी 655, ठीक है? जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती थी उसमें टोटल 655 पद थे, और वन रक्षक के 596 थे जिनमें, और 59 पद थे वन्य जीव रक्षक के, ठीक है? वन रक्षक के 596 हैं, वन्य जीव रक्षक के 59 पद थे, ठीक है? अब इन्हीं 655 पदों में, जो टोटल हमारे 655 हो गए हैं, इन्हीं 655 पदों में 119 जो वैकेंसीज थी वो थी महिलाओं के लिए, ठीक है? महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षण के अनुसार जो पद दिए गए थे वो दिए गए थे 119 पद, यानी कि उनके लिए सीधे सीधे 119 पद दे दिए गए महिलाओं के लिए, ठीक है? वन रक्षक के 596, वन्य जीव रक्षक के 59 पद थे, ठीक है? आपकी ग्रेड पे की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का जो ग्रेड पे होता है वो 1900 ग्रेड होता है, ठीक है? ये भर्ती देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, कांस्टेबल वाली वैकेंसी, तो कांस्टेबल का जो ग्रेड होता है वो होता है 2000, ठीक है? लेकिन इसका जो है 1900 है, तो ये कह सकते हैं कि 1900 ग्रेड जो है 2000 से नीचे है, तो ये पद भी जो है सिपाही वाली भर्ती से थोड़ा नीचे है। फिर भी आपके लिए किस्मत में है तो आपको नौकरी मिलेगी, अच्छा पद है, और गवर्नमेंट जॉब है तो बेहतर होगा, ठीक है? स्टूडेंट जो परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रेजेंट दी गई थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा था, तो लगभग एवरेज देखा जाए तो 45-50% बच्चे प्रेजेंट हुए थे, अप्रॉक्स लगभग है ये। कहीं कहीं पे 45% ही उपस्थिति दर्ज की गई थी, कहीं पे 50-52 तक थी, 55 तक थी, कहीं 48 ही थी, तो अप्रॉक्स देखा जाए तो 46-50% ही एवरेज रहा था बच्चों की उपस्थिति का, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम भी छोड़ा था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पेपर छोड़ने वालों में वही पेपर छोड़ते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, कहीं सिलेक्शन हो चुका हो, या यूं कह लीजिए जिनकी तैयारी ना हो। तो जिनकी तैयारी नहीं होती है ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी कहीं जॉब लग चुकी है ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो ऐसे बच्चों की संख्या भी कम होती है। तो जिनकी तैयारी नहीं होती है वही पेपर छोड़ते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या कम रही है तो कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी, ये भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? तो चलिए, बहुत इंतजार हो गया, अब हम पहुँचते हैं फाइनल कट ऑफ पर। जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, एक अनुमानित कट ऑफ है ये, हाँ एक्सपेक्टेड है, तो ध्यान रखिएगा अनुमानित कट ऑफ है ये, ठीक? इसे फाइनल कट ऑफ आप नहीं कह सकते हैं, अनुमानित फाइनल कट ऑफ कह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें एनालिसिस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि आपकी जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है जनरल की, वो 135 प्लस जा सकती है, ठीक है? 135 प्लस, और मैक्सिमम जो है 140 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये एक आइडिया है, एक दो नंबर आगे पीछे हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है 135 प्लस है। जिन बच्चों के 135 प्लस बन रहे हैं वो तुरंत रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है? ओबीसी वर्ग की जो कट ऑफ है वो 128 प्लस जा सकती है, ठीक है? और मैक्सिमम जो है 134 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी 134, यानी कि जो कट ऑफ है वो 128 प्लस 134 के बीच में भी रह सकती है, ठीक है? ये एक आइडिया है। एससी की जो कट ऑफ है वो 117 प्लस जा सकती है, और मैक्सिमम जाएगी तो 122 तक, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। 117 प्लस रहने वाली है, 117 हो जाए, 18 हो जाए, 19, 20, 21, 22 तक भी जा सकती है, ठीक है? एसटी की जो कट ऑफ है अनुमानित वो 109 प्लस रहने वाली है, और मैक्सिमम 114 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, ठीक है? 109 प्लस जिनके बच्चों के हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग तुरंत रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो एक आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे 119 पद हैं,
बहुत ज़्यादा लड़कियों की संख्या और उपस्थिति को देखते हुए इनकी कट ऑफ जो है, आइडिया है कि 115 प्लस जाने वाली है, 120 जो है ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 115 प्लस रहने वाली है, 115 प्लस, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करें तो इनका भी एक आइडिया यही है कि 115 प्लस ही रहेगी और 121 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम 121 हो गया। लेकिन अगर 115 प्लस आपके क्वेश्चन है तो आप तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। EWS, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे EWS सर क्या रहेगा, कमेंट बार बार आ रहे हैं EWS के बारे में। देखो, जब वैकेंसी आई थी उस समय EWS जो है लागू ही हुआ था, तो देखा जाए कि उस समय बहुत अधिक बच्चों के सर्टिफिकेट बने हुए नहीं थे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि EWS की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, हो सकता है इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम भी चली जाए। तो EWS की कट ऑफ भी आपकी 114 प्लस जा सकती है, हो सकता है इससे भी कम चली जाए, 110 चली जाए, 109 चली जाए, हो सकता है, ठीक है, 110 भी जा सकती है, 110 भी जा सकती है, ठीक है। फिलहाल अनुमान यह है कि 114 प्लस रहने वाली है, ठीक है, इतनी भी कम हो सकता ना जाए, लेकिन चली जाए ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक आइडिया है कि यहाँ तक आपकी जो कट ऑफ जा सकती है, आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। और ये कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। आपको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप रनिंग की तैयारी करिए, अच्छी मेहनत करिए, ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम्स की और तैयारी करिए अगर आपके क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। बाकी अन्य कोई जानकारी आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।